गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। दिस सोशियोलॉजी सेशन चैप्टर नंबर 4, उमरानी तामुलात और समाजी तब्दीली, जिसमें हमने समाजी हरकत पजीरी के मुतालिक फैमाइश हासिल की थी और उसकी खसूसियात के मुतालिक भी कुछ पॉइंट समझे थे। आज का हमारा टॉपिक है समाजी हरकत पजीरी की किस्में। समाजी हरकत पजीरी की दो किस्में बताए हैं। पहला है उफकी हरकत पजीरी या आड़ी हरकत पजीरी भी कहते हैं। दूसरा है उमूदी हरकत पजीरी, जिसको खड़ी हरकत पजीरी भी कहा जाता है। उफकी हरकत पजीरी और उमूदी हरकत पजीरी, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं उफकी हरकत पजीरी। तो ब्रॉम के मुताबिक एक मकाम से मसावी दूसरे मकाम पर मुंतकिल होना, यानी कि उफकी हरकत पजीरी। फ़र्द या ग्रोह का मकाम बदल जाए लेकिन उसका मियार या दर्जाओं में कोई बदलाव ना हो, ऐसी हरकत पजीरी को आड़ी हरकत पजीरी या उफकी हरकत पजीरी कहते हैं। जैसे कि एक मकाम पर टीचर का दर्जा है और वो चेंज होकर दूसरे मकाम पर टीचर का ही दर्जा हो, तो उसे उफकी हरकत पजीरी कहते हैं। यानी कि कोई एक मकाम पर टीचर का दर्जा हो, पढ़ाते हो जैसे कोई गांव में, लेकिन उसकी तब्दीली हो के कोई शहर में भी उसे टीचर का ही दर्जा, टीचर का ही मियार हासिल होता है, तो ऐसी हरकत पजीरी को उफकी या आड़ी हरकत पजीरी कहते हैं। दूसरा है उमूदी हरकत पजीरी, यानी कि खड़ी हरकत पजीरी। उमूदी हरकत पजीरी उफकी हरकत पजीरी से मुख्तलिफ़ ख्याल है। जब फ़र्द ग्रोह के मकाम में तब्दीली के साथ उसका मियार भी बदला जाए, उसका दर्जा भी बदलता है, तो ऐसी हरकत पजीरी को उमूदी हरकत पजीरी कहते हैं। मसलन एक किसी मकाम पर टीचर का दर्जा या टीचर का मकाम हो, लेकिन तब्दीली होने के बाद दूसरे मकाम पर उसे प्रिंसिपल का दर्जा हासिल हो, तो उसे क्या कहेंगे? खड़ी हरकत पजीरी या उमूदी हरकत पजीरी। यानी कि हरकत पजीरी मकाम में तब्दीली के साथ साथ उसके दर्जा और उसके मियार में भी तब्दीली हो, तो उसे खड़ी हरकत पजीरी कहेंगे। उमूदी हरकत पजीरी में फ़र्द या ग्रोह के मकाम बदलने के साथ साथ इज़्ज़त, आमदनी और इक्तदार में भी काबिले ज़िक्र तब्दीली आती है। अब हम उमूदी हरकत पजीरी की किस्में देखेंगे। उमूदी हरकत पजीरी की दो किस्में हैं, सऊदी उमूदी हरकत पजीरी और दूसरी है नुज़ूली उमूदी हरकत पजीरी। सबसे पहले हमने देखा समाजी हरकत पजीरी की दो किस्में, उफकी हरकत पजीरी और उमूदी हरकत पजीरी। फिर हम देखेंगे उमूदी हरकत पजीरी की दो किस्में हैं, सऊदी उमूदी हरकत पजीरी और नुज़ूली उमूदी हरकत पजीरी। सबसे पहले हम समझते हैं सऊदी उमूदी हरकत पजीरी। मर्द या ग्रोह के मकाम में तब्दीली के साथ साथ उसके मियार में तब्दीली आए और बुनियादी मियार से ऊपर के मियार में मकाम हासिल हो, तो उसे सऊदी उमूदी हरकत पजीरी कहते हैं। मकाम की तब्दीली के साथ साथ मियार में भी तब्दीली आए, तो उसे ऊपर के मकाम में तब्दीली आए, तो उसे सऊदी उमूदी हरकत पजीरी कहेंगे। उसके बाद सऊदी उमूदी हरकत पजीरी की भी दो सूरतें हैं। पहला है इनफरादी सऊदी हरकत पजीरी, दूसरा है ग्रोही सऊदी हरकत पजीरी। सबसे पहले हम देखते हैं इनफरादी सऊदी हरकत पजीरी। निचले दर्जे का कोई फ़र्द अपने में से ऊँचे दर्जे का में दाखिल हो, उसे इनफरादी सऊदी पजीरी तब्दीली कहते हैं। मसलन के
पहले कोई एक ऑफिस में एम्प्लॉय के मुताबिक काम करता हो, लेकिन आगे बढ़कर वो मैनेजर बन जाए, तो उसकी ये तब्दीली क्या होंगी? इनफरादी सऊदी हरकत पजीरी, यानी निचले दर्जे से कोई फ़र्द ऊँचे दर्जे में दाखिल हो, उसे इनफरादी सऊदी हरकत पजीरी कहते हैं। दूसरा, ग्रोही सऊदी हरकत पजीरी, निचले दर्जे के अफराद कोई ग्रोह ऊँचे दर्जे में दाखिल हो तो उसे ग्रोही हरकत पजीरी कहते हैं। इस तरह हरकत पजीरी में निचले दर्जे का कोई ग्रोह काबिले ज़िक्र ऊँचा दर्जा हासिल करता हो, मसलन दौरे हाजिरा के अदाकार अदाकारा का दर्जा, कोई एक अदाकार अकेला होता हो पहले, उसके बाद वो पूरे ऊँचे दर्जे के ग्रुप में शामिल हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? ग्रोही सऊदी हरकत पजीरी। उसके बाद देखते हैं हम दूसरी किस्म, नौजी नजूली उमूदी हरकत पजीरी। ये हरकत पजीरी सऊदी हरकत पजीरी के बिल्कुल मुखालिफ है। इसमें मकाम बदलने के साथ दर्जा अपनी बुनियादी मकाम से नीचा जाता है। इसी तरह हरकत पजीरी में फ़र्द या ग्रोह बुनियादी दर्जे में से नीचे दर्जे में मुंतकिल होते हैं, इसीलिए उसे नुजूली हरकत पजीरी की दो सूरतें भी बताई हैं। पहले हमने क्या देखा? सऊदी उमूदी हरकत पजीरी में जो अपना मकाम और तब्दीली हो रही है, तो ऊंचे दर्जे में मकाम हासिल हो तो सऊदी, और नीचे दर्जे में मकाम हासिल हो तो नुजूली उमूदी हरकत पजीरी। इसके भी दो सूरतें बताई गई हैं, इनफरादी नुजूली हरकत पजीरी और दूसरा है ग्रोही नुजूली हरकत पजीरी। इनफरादी नुजूली हरकत पजीरी, कोई फ़र्द उसके ऊँचे दर्जे में से नीचे दर्जे में दाखिल होता हो, उसे इनफरादी नुजूली हरकत पजीरी कहते हैं। इस तरह हरकत पजीरी में पूरा ग्रोह नहीं बल्कि फ़र्द का दर्जा नीचे होता है। मसलन कोई करोड़पति सड़क पर आ जाए या फिर कोई सनतकार गरीब बन जाए, यहाँ सिर्फ उसका दर्जा नीचे होता है, सभी सनतकारों का नहीं, सिर्फ एक ही। इनफरादी मतलब एक ही फ़र्द का ऊपर से नीचा दर्जा में तब्दील होना इनफरादी नुजूली हरकत पजीरी कहलाता है। दूसरा है ग्रोही नुजूली हरकत पजीरी, जब कोई ग्रोह ऊँचे दर्जे में से नीचे दर्जे में दाखिल हो, उसे ग्रोही नुजूली हरकत पजीरी कहते हैं। इसमें पूरा ग्रोह का दर्जा नीचा होता है, मसलन ब्राह्मो समाज का दर्जा या मकाम ऊँचा था लेकिन आज कम होता जा रहा है। इसी तरह कोई भी समाज में हरकत पजीरी से आज़ाद नहीं है, इसमें उफकी या उमूदी हरकत पजीरी चलती रहती है। समाजी उमूदी हरकत पजीरी की दो किस्में होंगी, पहले समाजी हरकत पजीरी की दो किस्में, उफकी और उमूदी, उमूदी की दो किस्में सऊदी और नुजूली, फिर सऊदी की दो किस्में इनफरादी और ग्रोही, फिर नुजूली की दो किस्में इनफरादी और ग्रोही। इतने टॉपिक हमें याद रखने हैं। हर समाज में इन दो तरह की तब्दीली होती रहती है, हरकत पजीरी होती रहती है।